कोलंबो में खेली जा रही कोका कोला कप त्रिकोणीय श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण मैच में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भारत को आज का मैच जीतना होगा ताकि वो टूर्नामेंट में बना रहे। भारत अब तक खेले गए दोनों मैचों में पराजित हुआ है और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए संघर्षरत है। भारत अपने उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड से हारा था, जबकि दूसरे मैच में उसे श्रीलंका से मात मिली थी। जहां तक भारतीय बल्लेबाजी का सवाल है, तो आज एक बार फिर कप्तान सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण आशा के केंद्र होंगे। गेंदबाजी का भार काफी हद तक हरभजन और जहीर खान पर होगा, लेकिन पारी की मजबूत शुरुआत भी भारत के लिए अहम होगी। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज नाथन एस्टल पर लोगों की निगाहें रहेंगी, जिन्होंने भारत के विरुद्ध पहले मैच में शतक जमाया था। गेंदबाजी की कमान डियोन नैश, डारेल टफी और डेनियल विक्टोरी के हाथों में रहने की संभावना है। टूर्नामेंट में अब तक न्यूजीलैंड ने 3 मैचों में 1 जीत दर्ज कर 2 अंक जुटाया है, जबकि भारत को अभी अपना खाता खोलना है।